नमस्कार बंधु मैंने स्वागत करुच्ची ओडिया पोर्टाल नुआ वीडियो ट्यूटोरियल को आज विषय वस्तु रहा आम सर्विस प्लस प्लाटफर्म ओडिशा ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट किपर भाव में रेसीडेंट सर्टिफिकेट अप्लाय करपर तो रिक्रुटमेंट प्रोसेस हो कि कॉलेज एवं स्कूल विभिन्न कार्यपाई आम रेसीडेंट सर्टिफिकेट आवश्यक पड़ता है तो से रेसीडेंट सर्टिफिकेट आम किपर भाव में अप्लाय करवा से विषय आम संपूर्ण बरणी ए भिडियो देखा तो पूर्वर कही रखे आम चैनल ओडिया पोर्टाल ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब करनी बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँफल ई डिस्ट्रिक्ट किंबा ऑनलाइन विभिन्न प्रकार कार्यर जहाँ अपडेट आम आनबू वीडियो ट्यूटोरियल आनबू तार नोटिफिकेशन आप तुरंत पाई सब्सक्राइब एवं नोटिफिकेशन पाइबार जो प्रोसेस था संपूर्ण फ्री आप अवेल करेंगे तो प्रथम दुटा तीन टाइम पॉइंट आप जा रखु एवं वीडियो प्रोसेस देखा भितर बहुत पॉइंट कह जोटा आप रेसीडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करने निहाती आवश्यक रहा तो वीडियो को स्किप टोटल करेंगे ना जब स्किप करेंगे तेज बहुत स्टेप आप छाड़ीदे तो ये आप रिक्वेस्ट करी वीडियो शेष पर्यटन देखु 10 मिनट वीडियो कि 20 मिनट वीडियो निश्चय भाव में लास्ट पर्यटन देखु तो मन रखे गोटे फास्ट पॉइंट हूँ रेसीडेंट सर्टिफिकेट जेको लोक अप्लाय कर किसी असुविधा ना से जोटिकार बासीदा होटिकार रेसीडेंट सर्टिफिकेट से अप्लाई करपर एवं सब इम्पोर्टेंट कथा हूँ जो मैंने म्यारेज कर जो लेडीज म्यारेज कर गोटे जगार अलग जगह आसने निज बाप घर शाशुघर को रेसीडेंट सर्टिफिकेट केउटिकार अप्लाई हे यहाँ सब इम्पोर्टेंट टॉपिक तो मन रखिए जो लेडीज म्यारेज करज बाप घर शाशुघर को आ से क्षेत्र में शाशुघर आड्रेस रेसीडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई हम बाप घर आड्रेस आउ रेसीडेंट अप्लाई हो पार ना तो यहाँ सब इम्पोर्टेंट कथा आउ नॉर्मल आउ जहाँ रहा बाकी कथा मुझे आपको कह तेज क्विकली चलत आरंभ करमर जो वीडियो प्रोसेस रहा रेसीडेंट सर्टिफिकेट कमी अप्लाय करवा तो रेसीडेंट सर्टिफिकेट आम अप्लाई करे गोटे पिलार जे कॉलेज ना लिखाइब तो तार रेसीडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई कर प्रोसेस मुझे संपूर्ण देखेबी तो आप देखे ने आम जो ऑफलाइन फॉर्म रहा तादेह कौन कौन अटैच करे तो रेसीडेंट आम जो ऑफलाइन फॉर्म रखिलु तादेह फॉर्म आम नहीं जोटा आम पुराणा ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टाल लगू था तो से फॉर्म आम पिलार फोटो सिग्नेचर रहा बेसिक डिटेल्स जहाँ सब रहा लिखाई सब एवं आधे आरओआर डिटेल्स रही पर्पोज एवं बाकी तक डिटेल्स रहा जेनोलोजी कराई तो आम जी आर टी रहा जो जमीवाड़ी पट्टा जोटा रही पट्टा आम आटाच कराई आप देखिपर जो खतियान बा पट्टा रहा आधे प्रजा नाम जो आम आर टी जे रहा रेकर्ड टेनाट है कृष्ण बेहरा तो कृष्ण बेहरा सहित आम आप्लिकेन्ट हूँ किए ना प्रमोद कुमार बेहरा को लिंक करने जेनोलोजी लिखा तो जेनोलोजी जो लिखे आम आप्लिकेन्ट हूँ प्रमोद बेहरा तो बापा हेले करुणाकर बेहरा और बापा हेले कृष्ण बेहरा कृष्णचंद्र बेहरा सेम वन एंड सेम पर्सन तो कृष्ण बेहरा हेले आर टी एवं आप्लिकेन्ट हेले प्रमोद कुमार बेहरा तो प्रमोद बेहरा ठारु कृष्ण बेहरा पर्यंत आम कनेक्शन हो गला तो एथिपाय आमे फॉर्म टी आम लिखा सरला डिक्लेरेशन देदेबे तो मन रखु ए फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म पायापाई आपण आम वेबसाइट ओडिया फॉर्म जोटा रही फॉर्म्स डॉट ओडिया पोर्टाल डॉट इन मोर लिंक डिस्क्रिप्शन देखिए आपर तो यार सब प्रकार ई डिस्ट्रिक्ट फॉर्म अवेलेबल अच्छी तो अन्य फॉर्म अच्छे आप इजिली सब पीडीएफ यूपर तो डिक्लेरेशन पर आम रहा आधार आम आप्लिकेन्ट जे रहा और बापा जे रहा आधार रहा तो मन रखुद आप्लिकेन्टर आधार जो देते तार आड्रेसटा आप जोटिकार रेसीडेंट बाहर करते आवश्यक और तरह बापा ना जमी थी तो आप्लिकेन्टर बापा ना जहाँ थी तो बापा आधार कार्ड आम रखिले बापा ना ऑलरेडी लिंक हो जाए कौटी आम पट्टा सहित तो आप इजिली देखने जापर ये फॉर्म टी मुझे स्क्रोल करूँ आप पज करके देखिपर आमर कौ जिनस कौन लिखाई कौ जगार और कौ कौ जिनस आटाच हो ये रहा गोटे पीडीएफ और आ गए पीडीएफ आम आरओआर रखिलु पट्टा रखिलु पट्टा आमर जहाँ रही एवं सब इम्पोर्टेंट कथा पट्टार देखिए गोटे घर बाड़ी जमी प्लॉट थी तो चाष जमी प्लॉट रे आपण केबे भी रेसीडेंट बाहर करें ना घर बाड़ी प्लॉट उपर सब रेसीडेंट बाहर कहीं जोकोसी लोक जो जगह रोचा घर बाड़ी जमी उपरे रोच फसल
କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଚାଷ ଜମି ଫସଲ ଉପରେ କେହି ଘର କରି ରୁହନ୍ତିନି, ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଘର ବାଡ଼ି ଉପରେ ହିଁ ଘର କରିକି ରୁହନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେବେ ନା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜମିରେ ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଟ୍ଟାରେ ଘର ବାଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲଟ୍ ଥିବ। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଘର ବାଡ଼ି ପ୍ଲଟ୍ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟାରେ ଥିବ ସେ ପ୍ଲଟ୍ଟାକୁ ଏଇ ପଟ୍ଟାଟାକୁ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ପଟ୍ଟାର ଗୋଟିଏ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଇୟର ରେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟ ବା ପାଉତି କାଟିବେ। ତ ପାଉତି ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ବି କାଟିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଛି, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଉତି କାଟିବେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖତିଆନ ବା ପଟା ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆମର PDF ଆନେ ରହିଲା ଫର୍ମ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଏବଂ PDF 2 ରହିଲା ଆମର ପାଉତି ଏବଂ ପଟା। ତ ଆମର ଅଫଲାଇନ୍ର ଜିନିଷ ଯାହା ଦରକାର ଆମର ସରିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ। ଏବଂ ଆଜି ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ତା'ର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ କଲର୍ର ସ୍କାନ୍ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ JPG କରିକି ରଖିଥିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ସିମ୍ପଲ୍ ଆମର ଆପ୍ଲାଏ ଫର୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ତଳେ ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଗୋଟିଏ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍କୁ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 15 ଅପ୍ସନ୍ରେ ବା 15 ଲିଷ୍ଟରେ ଇସ୍ୱାନ୍ ସହ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଆମର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଫର୍ମଟି ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଫର୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଫ୍ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ଆପଣ ଇଜିଲି ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ସାଲ୍ୟୁଟେସନ୍କୁ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଝିଅ ପିଲା ହେଇଥିବ ବା ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଇଥିବ ତାକୁ ସେଠାରେ ମିସ୍ କିମ୍ବା ଶ୍ରୀମତୀ ଲେଖିବେ। ତ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଯଦି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜଣେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଘର ପଟୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ। ତ ଆମର ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ନାଁ ଯାହା ରହିଲା ସେଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ଫଟୋ ଗୋଟିଏ, ତ ନାଁ ଏବଂ ଫଟୋ ଆଟାଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଜେଣ୍ଡର ସିମ୍ପୁଲ୍ ଦେଇଦେବେ, ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ସ୍ଟାଟସ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଦେବେ, ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଯଦି ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍। ତ ଏଜ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖିଦେବେ, ଆଧାର ନମ୍ବର ଚାହିଁଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ନଚେତ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ, ତାପରେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟର ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଯାହା ଦେଇଥିବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ତା'ର ଗୋଟେ PDF କପି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଇନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତହସିଲ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭିଲେଜ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେ ଭିଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଇନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ପିନ୍କୋଡ଼। ଏତିକି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ରେସିଡେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକଟି ବା ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ବସବାସ କରୁଛି। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିବ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଜନ୍ମବେଳୁ ଆପଣ ହିସାବ କରିଦେବେ, ଧର 1992 ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ତ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେବେ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଫେଡ଼ିଦେବେ, ଯାହା ବାହାରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ହିଁ ସେ ଲୋକ ଏଠାରେ ରହୁଛି। ତ ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଲେଡ଼ି ହେଇଥିବ ତେବେ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହିଁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଣେ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହେଉଛି 27, ତ ସେ 25 ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ଆସିଥିଲା, ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 27 ହେଲେ 2 ତଳୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ତ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇୟର୍ ଲେଖିବେ ସେଠି 2 ଆଉ କେତେ ମନ୍ଥ ହେଇଥିବ ଲେଖିବେ, ତାକୁ ଜନ୍ମବେଳୁ ସେ ଜାଗାରେ ଇୟର୍ ପକେଇବେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମବେଳୁ କେବଳ କାହାର ପଡ଼ିବ, କେବଳ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଘରେ ଜନ୍ମରୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ବୟସ ଯେତିକି ସେତିକି ପଡ଼ିବ। ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ଯେତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ବର୍ଷ ସେତିକି ମାସ ଆପଣ ପକେଇବେ। ତା'ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାର ଯେତିକି ବର୍ଷ ଯେତିକି ମାସ ହେଉଛି ତା'ର ଜନ୍ମ ସେତିକି ଆମେ ପକେଇଦେଲେ, ତା'ପରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ତ ସେମ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ତ ୟେସ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଯିବ। ତା'ପରେ ରହୁଛି ଯଦି ପିଲାକୁ 18 ହେଇନି ତେବେ ଏ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଠାରେ ୟେସ୍ ଆସିଯିବ, ତ ୟେସ୍ ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ ଆମର ଯଦି ପିଲାଟି ମାଇନର ବା 18 ହେଇନି ତ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର କିଏ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫର୍ମକୁ, ତ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଯଦି ପିଲାକୁ 18 ହେଇଯାଏ ତ ଏଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ନୋ ଆସିବ ଏବଂ ତଳ ଘର 2 ଡିଜାବଲ୍ ହେଇଯିବ। ତ ୟେସ୍ ହେଲେ ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବାପା ବା କିମ୍ବା ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଲେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସେ ଫର୍ମଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସହିତ, ତ ଇଏ ପିଲା ରହିଲେ ଫାଦର୍, ତ ଫାଦର୍ ଲେଖିଦେବେ। ତା'ପରେ ହେଲା ପର୍ପୋଜ୍, କ'ଣ ପାଇଁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଏଠାରେ ଯଦି ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମର ଏଠାରେ ପିଲାର ବାହାରୁଛି କ'ଣ ନା ଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ, ତ ଫର୍ ଷ୍ଟଡ଼ି ଆଣ୍ଡ
स्टाइपेंड बेनिफिट्स ये रहला तापर रहला प्लेस तो प्लेस आपन गांव ना दे देबे जो गांव रे आपन बसवास करदनी डिक्लेरेशन पर प्लेस एवं आई एग्री बटन ऊपर क्लिक करी करी आपन जो कैप्चा कोड रहला से कैप्चा कोड को एंट्री करनेबे एवं आपन रेकमेंड करबे आपन मूलरो शेष पर्यंत जो फॉर्म भरिले ताको आउथरे देखिनंतु यदि कोनसी भूल रहितो ताको आपन करेक्शन करि परिबे यदि सब ठीक था तबे सबमिट बटन ऊपर क्लिक करनेबे सबमिट कर सला पर आपन गोटे आपन जो फॉर्म रहला तार प्रीव्यू एडे देखौ छी तो प्रीव्यू आपन देख परिबे फटाफट जा सब आपन एंट्री करथले एड्रेस एवं अलगा डिटेल्स जो एंट्री करथले सब देखै दबो यदि आपन संतुष्ट अछन जे सब डाटा ठीक अछि तबे अटैच एनेक्सर ऊपर को जानतु मन रखंतु एनेक्सर अटैच कर सला पर आपन फॉर्म एडिट करि परिबे नै किबा फॉर्म को सबमिट कर सला पर कोनसे ऑप्शन नै जे सेटा आपन जाय एडिट करि परिबे तो आपन को एडवाइस देबी जे एनेक्सर अटैच करबा पूर्वरु ए डिटेल सब देखि नंतु भलो भाबर एवं ताकु जदि ठीक अछि तबे आगु जानतु नचत एडिट कर नंतु तो हमर सब डाटा ठीक अछि एबे हमें एनेक्सर अटैच करबा तो एनेक्सर होछि हमर गोटे होछि हमर ए जो ऑफलाइन फॉर्म आ गोटे होछि आधार कार्ड एवं आउटा होची पट्टा पाउतर जेरक्स तो एठारे आम अटैच करवा प्रथम हूँ डॉक्यूमेंट्स टू भी अटैच रे दे देबा एठारे एपिक और आधार कार्ड सेठारे आम चूज फाइल करके आम जो ऑफलाइन पट्टा एवं जो ऑफलाइन फॉर्म एवं आमर जो आधार कार्ड रही था एप्लिकेंट होता अपलोड करनेबा एवं अदर जगार जो लिखी सिलेक्ट एठारे अदर उपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट नेम रे आम आर ओ आर लिखी सेठारे जो टू पीडीएफ रहला ताको हमें अपलोड करनोबा तो हमर वर्तमान फाइल डेटा चूज हो सारी एवं सेव एनेक्सर उपर क्लिक करवा तो वर्तमान एनेक्सर टी दुटा पीडीएफ हमर अपलोड हो तो अपलोड सरिया पर हमें अपेक्षा करमर जो एनेक्सर दुटा वर्तमान अपलोड हो जाए वर्तमान आमर सबमिट करार काल बाकी रहला तो सबमिट करदे सबमिट कला फॉर्म टी फाइनल सबमिट हो तार गोटे एक्नॉलेजमेंट पेज टी आमर जेनेट हो चाहिए आप पीडीएफ रखा ना प्रिंट करें तो आ गए कथा आपन को ट्रिक आपन को कहे जो सर्टिफिकेट आम अप्लाय कले तो सर्टिफिकेट रो नंबर कौन आसो तो मन रखिए जो नंबर टा आप देखा फॉर एग्जांपल EIPEN RES/2020/395671 तो यहीटा हूँ ये रेसीडेट सर्टिफिकेट नंबर तो मन कर जगह निहाती आवश्यकता पड़ी सर्टिफिकेट नंबर दबाको एवं परवर्त समय सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकिन देले चलो तो से जगह अप्लाई कर सारापर ये नंबर टेक कम चल पारे निश्चय भाव में तापर आपर जब आप्रुवाल हो 6-7 दिन भितर तो तार कपी आपर तो बर्तमान आम एक जानले तापर जाना आमर जो एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट आसला जो नंबर टे जेनरेट है आपको लेकिन आम किपर भाव में डाउनलोड कर रेसीडेंट सर्टिफिकेट को एवं तार स्टेटस चेक कर पारिया तो सिंपल स्टेटस चेक करने आप साइड रे देख पारे व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन से ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले गोटे ऑप्शन अच्छे तापर क्लिक कर नियंतु तो मन रखिए फ्रॉम डेट टू डेट आम दुई मस रही आप चाहिए ये एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जहाँ आपको पूर्व बाहर मुझे से रेफरेंस नंबर को यठार कॉपी पेस्ट करें कि लिखिपारती लिखिक गेट डाटा उपर क्लिक कले आपन को यठार देखेदेव जे एप्लीकेशन करेन्ट स्टार्ट हो इनिशिएटेड तो गोटे दिन पर आपको अंडर प्रोसेस आपंकर टोटाल संपूर्ण प्रोसेस से आपको पीडीएफ टी आप मेल आसो यदि पीडीएफ टी मेल आसी तो ताकू पाया किपर भाव में कौन करपे मुझे देखा तो आप डायरेक्ट आप फ्रॉम डेट टू टू डेट करदे और गेट डाटा उपर क्लिक करेंगे तो आपंकर जहाँ एप्लीकेशन आप फाइल करेंगे आपंकर eDistrict पोर्टाल तो सबूर डिटेल्स आपन को यही साइट रे देखेदेव सब जगह संपूर्ण सर्टिफिकेट जहाँ अप्लाई सबूर डिटेल्स एठारे देखेदेव तो जो फॉर्म टी आपन अप्लाई करले बा जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट अप्लाई करले तो सेटा को पाया पाए आपन सिंपल जो पेज आमर रही छि लास्ट पेज ऊपर क्लिक करिवे जाफले आमर लास्ट जो फॉर्म टी आमे अप्लाई करले सेटा पाई परिवे एवं जेबे आपन नेक्स्ट डाउनलोड करिया चाहिबे तो आपन सीधा सीधा देखि परिवे जो आमर अप्रूवल हो गला परे आपन साइट रे देख पाथो डिलीवर्ड बोली गोटे लेखा आस्तो ताले जानिबे आपन गरेटा रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिलीवर हो गला बा ऑलरेडी अप्रूव हो गला
तो ताको डाउनलोड करेंगे सिंपल आप डेलीवर्ड अच्छी तो डेलीवर उपर क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आपको बक्स देखेब तो यार आप देख पारे आप्लिकेसन सबमिशन आपर फर्म जो सबमिट कले भ्यू करी देखिपर आक्नोलेजमेंट जहाँ आप जेनेट होता पूर्व स्टेप देखे से पारे एठार गोटे देख पाते हैं रेसीडेंट सर्टिफिकेट बोली गोटे लिंक आसूस और सैड गोटे भ्यू बोली लिंक आसूस तो दुटा भितर सामान जोटा क्लिक कले आप रेसीडेंट सर्टिफिकेट टी जोटा इश्यू होता आपको मिल जाव फर एक्जाम्पल मुझे रेसीडेंट सर्टिफिकेट उपर क्लिक कर नौचे एवं यह आपणकर बर्तमान कंप्यूटर कि मोबाइल को डाउनलोड हो डाउनलोड हो ओपन कले देखिपर आम रेसीडेन्स सर्टिफिकेटा जोटा इश्यू होती आपन को मिल जाव तो ये रहा आम रेसीडेन्स सर्टिफिकेट रोटे सांपल तो यहपर भाव में आपको रेसीडेन्स सर्टिफिकेट टी मिल जाव जब अप्रुवाल होपर रेसीडेन्स सर्टिफिकेट टी आपको मिल जाव तो यहाँ आप जापारे किपर भाव रेसीडेन्स सर्टिफिकेट गोटे अप्लाय करेंगे तो आटाचमेंट कौन रखिए जो आनेसर आटाचमेंट कौन रखिए ऑफलाइन फॉर्म आप लिखे एवं आपंकर अप्रुवाल हो गला किपर भाव चेक करेंगे केमती डाउनलोड करेंगे तो यह रहा रेसीडेन्स सर्टिफिकेट आप्लायर ए टू जेड संपूर्ण प्रोसेस आशा कैर आपन को भल लगे तो नुआ खूब शीघ्र नुआ आम भिड आणुचु लीगल हेयर उपर जन विडो का विधवा लोक कि इनकम सर्टिफिकेट अप्लाय कर सब भिड खूब शीघ्र आसूसी तो से भिड पर्यंत विदाय दिंतु नमस्कार धन्यवाद जय जगन्नाथ।